हाय दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सिर्फ यही जाना है कि जो हमारे आसपास दिखाई देता है वही मैटर यानी पदार्थ है लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो मैटर यानी पदार्थ और भी तरह के होते हैं जो इस ब्रह्मांड में पाया जाता है एक तो होता है मैटर और दूसरा होता है डार्क मैटर और तीसरा होता है एंटी मैटर जो भी दिखाई दे रहा है वह मैटर है हमारा शरीर और हम जो भी देख रहे हैं वह सभी मैटर है एंटी मैटर आभासीत माना गया है यानी इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं वास्तव में डार्क मैटर का अस्तित्व हमारे ब्रह्मांड में है इसमें वन हंड्रेड प्रतिशत तो नहीं कर सकते हैं लेकिन वैज्ञानिक अभी तक इसकी खोज में लगे हुए हैं कि डार्क मैटर क्या है आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि डार्क मैटर किस चीज से बना है ऐसा माना जाता है कि अंतरिक्ष का नाइन्टी फाइव प्रतिशत हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है ऐसा अनुमान है कि लगभग ट्वेंटी थ्री प्रतिशत हिस्सा डार्क मैटर ही है एंटी मैटर की दूर तक कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन डार्क मैटर सब जगह है किसी भी चीज की छाया को भी डार्क मैटर माना जाएगा और ब्रह्मांड के ब्लैक होल को भी दोनों की उपस्थिति का असर जबरदस्त होता है वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि हमारे आसपास हमारा एक समानांतर संसार है जी हां आपको जानकर यह हैरानी होगी जो दिखाई नहीं देता हो सकता है कि वह एंटी मैटर हो वैज्ञानिकों के अनुसार डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह एक कड़ी है जिसने इस समूचे ब्रह्मांड को एक क्रमबद्ध ढंग से बांध रखा है डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो न तो प्रकाश छोड़ते हैं सोखते हैं और न ही परावर्तित करते हैं इस कारण इसे अभी तक देख पाना संभव नहीं हो पाया है आकाशगंगाओं की खोज में तारों का पीछा करते हुए वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर को खोजा लेकिन वो इसके बारे में कभी सही जानकारी नहीं जुटा सके रिसर्च से यह पता चला कि सभी आकाशगंगा के ग्रह तारे और नक्षत्र ग्रेविटेशनल बाइंडिंग एनर्जी के कारण स्थिर है परंतु कैलकुलेट करने पर पता चला कि गुरुत्वाकर्षण इतनी नहीं है कि वह आकाशगंगा को थाम सके मतलब कुछ और ही अज्ञात चीज है जो इन्हें थाम रही है अन्यथा अब तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति कमजोर हो गई होती और सभी ग्रह नक्षत्र तारे अपने परिक्रमा पथ से भटक गए होते इसी सोच ने डार्क मैटर की अवधारणा को बल दिया डार्क मैटर ही वह मैटर है जो इस ब्रह्मांड को द्रव्यमान दे रहा है दोस्तों अभी तक कोई डार्क मैटर या डार्क एनर्जी होने का पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हो सकता है और इस पर खोज जारी है अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें